असलम वेलकम बैक टू माई चैनल मैं मरीम अली और आप देख रहे हैं मरीम्स कुकिंग सो आज मैं आपके साथ जो है वो चिकन शॉर्मा बड़े ज़बरदस्त होम मेड शेयर करने लगी हूँ सो so, सबसे पहले हमें खीरा चाहिए जिसको मैंने इस तरह से तीन पीसेज़ में कट कर लिया फिर हमने इसको इस तरह से जूनियन स्टाइल कटिंग में जो है वो बड़े बड़े कट कर लेने से so ये मैंने सारा खीरा कट कर लिया है प्याज भी आपने इसी तरह से लंबे रुख कट कर लेना है अब ये खीरा और प्याज जो मैंने कट कर लिया मैं इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र करूँगी हम इसमें जो है ऐड करेंगे वेनेगर यानी कि सिर हमने इसमें इतना जो है वह वैनेगर एड करना है कि ये हमारे वेजिटेबल्स जो हैं वो अच्छे से सोक हो जाएँ मैं इसमें टमाटोज भी ऐड करूँगी और टमेटोज़ को भी हम अच्छे से सोव कर देंगे इसके अंदर सो so, जी तो जनाब दूसरी तरफ है हमारे पास लहसन इसको मैं जो है वो कूँम में अच्छे से कोट लूँगी और चिकन है हमारे पास हाफ के जी बोनलेस जिसको मैंने इस तरह से छोटी छोटी जो है वो बोटी बना ली आप इसको स्ट्राइप्स में भी कट कर सकते हैं सो so, अब हम पैन लेंगे पैन में मैंने लहसन का पेस्ट ऐड कर दिया है और हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे और इसको अच्छे से सौते कर लेंगे ताकि ये हमारा लहसन जो है वो अच्छे से भुन जाए और बाद में इसकी कोई स्मेल ना आए सो so, मैं दो से तीन मिनट के लिए इसको अच्छे से करूँगी और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है चिकन जब लाइट गोल्डन सब ब्राउन होने लग जाए इसका मतलब है लहसन हो गया है और अब चिकन ऐड करने के टाइम आ गया सो so, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे थोड़ी देर इसको जो है वो छोड़ देंगे तो चिकन जो है वो ख़ुद से अपना पानी छोड़ देगा ये देखें चिकन ने पानी छोड़ दिया अब मैंने इसमें ऐड किए हैं चिली फ्लेक्स यानी कि दादरी मिर्चें और हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट सॉल्ट आपको जितना पसंद है जो चिली फ्लेक्स हैं वो भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड करेंगे कि आपको कितना स्पाइस चाहिए सो तो अब हमने जो है वो इसको अच्छे से मिक्स करना है अब इस पानी के अंदर ही ताकि अच्छे से मिर्चें भी हमारी जो है वो भून जाएँ और पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे मैंने नेशनल का लिया है चिकन तंदूरी रेसिपी मिक्स वन टेबल स्पून मैं वो ऐड करूँगी बड़ा मज़े का तंदूरी सा फ्लेवर आता है इसकी वजह से चिकन में सो ये अब ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे और इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी पानी अभी भी आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें और वीडियो शेयर करते रहें सो जी हमारे पास अब यहाँ पे है वेनेगर सोया सॉस और है चिली सॉस और हमारे पास चिकन तंदूरी जो कि मैंने ऑलरेडी ऐड कर लिया है सो लिक्विड वाली सॉसेजेस हम ऐड करेंगे मैंने तीनों जो हैं वो ऑलमोस्ट वन टेबल स्पून ऐड किया है uh, क्योंकि मेरे पास हाफ के जी चिकन था तो आप क्वांटिटी के हिसाब से इंक्रीज कर सकते हैं सो so, ये अच्छे से हमारे जो है वो सॉसेजेस भी इसके अंदर मिक्स हो गए हैं तो अब जब पानी बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो इसका मतलब है हमारा चिकन जो है वो डन है सो ये देखें मैंने अच्छे से इसको ज़रा घुमा घुमा के भी देख लिया कोई पानी तो नहीं रह गया सो ये हो गया डन अब हमने बाज़ार से लिया शॉर्मा ब्रेड आ, एक और पैन लिया उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से फ़्राई कर लेंगे दोनों साइड से बाई वाली साइड को थोड़ा अच्छा सा क्रंच बना लेंगे आपको जितना क्रंची पसंद है आप उस हिसाब से इसको फ्राई कर लेंगे ये देखें इस तरह से सो so, दूसरा भी वहाँ पे फ्राई हो रहा है और ये जब गोल्डन ब्राउन हो जाए इसका मतलब है ये मज़ेदार सा क्रंची सा हो गया है so, सो क्रंच वाला जो है बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है सो so, इस तरह से हम इसको बना लेंगे अब बारी है सॉस बनाने की जो कि हमने शॉर्मेर के अंदर यूज़ करनी है ये मेरे पास चिली गार्लिक सॉस है सो ये आप इसमें ऐड करेंगे मेरी ये ख़त्म हो गई थी मैंने घुट घुट के जो अच्छे से ये निकाल ली है और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी मायो चॉप सॉस और मायो गार्लिक सॉस ये भी जो है वो ऑलमोस्ट थोड़ी थोड़ी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मैं मुझे जो पहली वाली सॉस ऐड की है गार्लिक वाली वो मुझे बहुत पसंद है मैंने थोड़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में ऐड की है सो ये सॉसेस सारी हम इसके अंदर जो है वो सॉसेज नहीं क्रीम्स जो भी है अब <laughs> वो हम इसके अंदर अच्छे से ऐड कर लेंगे जितनी क्वांटिटी आपको पसंद है चिली गार्लिक सॉस के मैंने ऑलमोस्ट तीन टेबल स्पून भर के ऐड किए हैं अब इसको थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे यहाँ पे मैंने चिली फ्लेक्स डाले हैं तकरीबन तो समझ लेंगे दो चुटकी सफेद ज़ीरा थोड़ा सा ऐड किया है और हम इसमें ऐड करेंगे नमक हंसबे ज़रूरत और हमने इसमें ऐड किया है ब्लैक पेपर ये सारी चीज़ें ऐड हो गई हैं तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप इसको बीटर से भी मिक्स कर सकते हैं सॉस रेडी है सो ये हमारा जो है वो रेडी हो गया सब कुछ अब हमारी बारी है असम्बलिंग की तो सबसे पहले ब्रेड के ऊपर हम सॉस लगाएंगे ये देखें मैंने टमाटर इसमें ऐड कर दिए सो ये सॉस लगाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे चिकन जितना भी आपको पसंद है ज़्यादा कम सो इसके बाद हम इसके अंदर इसमें लगाएंगे वेजिटेबल्स जो कि हमने वैनेगर में सॉक की थी तो लगाने के बाद आप इसको बटर पेपर से भी कवर कर सकते हैं और अगर बटर पेपर नहीं है तो आप इसको टूथपिक के साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं अब आपकी मर्जी है कि आप असेंबलिंग करके जो है वो सर्व करना चाहते हैं या फिर वैसे ही सर्व करना चाहते हैं आप इसको इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं कि जिसको जो क्वान्टिट्टी जितनी पसंद है उस हिसाब से खुद अपनी असेंबलिंग कर लें सो तो ये दोनों ऑप्शन हैं सो आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करना मन भूलें मुझे दो हमें याद रखिएगा चलती हूँ अल्लाह फॉर वॉचिंग प्लीज लाइक एंड कॉमेंट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू प्रेस द बेल आइकन एज वेल अल्लाह हाफिज़